हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेटर और आप देख रहे हो नूब हैकर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है जरूर उसको भी क्लिक करें। एंड अगर आप स्टिल बिगिनर हो एंड आप लोगों को पता नहीं कि यार लिनक्स, टर्मक्स ये सब चीजें क्या है, कहां से शुरू करना है, कैसे सीखना है, अगर ये सब जानना है, हिंदी में सीखना है, तो ऊपर दिखा गए आई बटन पे क्लिक करें। आपको वहां पर राइट साइड अपर कॉर्नर में शो अप करेगा, या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में आपको पूरी यहां पर जो है ना लेटेस्ट वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि सीखने में एंड समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो जरूर जाके आप लोग रिसेंट वीडियोस को चेक करें। ओके, तो आज यहां पर हम बात करने वाले हैं लिनक्स बिगिनर सीरीज के पार्ट 8, यानी कि सेशन 8 है, जहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग यहां पर इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर्स एंड डायरेक्टर्स, पाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये आप लोग जान गए तो आपका आधा से जो ज्यादा काम है ऑटोमेट कर सकते हो। बहुत ही मजेदार होने वाली पूरी सीरीज। तो इस पूरी यहां पर जो है ना, इस वीडियो को भी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखें। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने पूरी सीरीज के रीसेंट पार्ट्स नहीं देखें, जैसे 1 से लेके 7 तक जरूर देखें, आपको उनका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले जो है यहां पर हम अपना टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज टर्मिनल स्टार्ट करने के बाद ही जो है यहां पर एक क्लियर पिक्चर बन पाती है कि हम किस चीज पे जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर जो है ना बताना चाहूंगा। तो यहां पर एग्जांपल एको $0, जैसे ही मैं करूंगा, मुझे अभी मैं कौन से शेल में हूं ये मुझे यहां पर शो अप कर रहा है। वही मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो देख सकते हो यहां पर जो है डॉलर एंड क्वेश्चन मार्क को ये क्या कर रहा है, जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं 0 शो अप कर रहा है। अब जाहिर सी बात है आप लोगों के मन में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा, भाई ये ZSH तो पता है कि हमें एक Z शेल है, ये जीरो का क्या मतलब यहां पर काम है, क्या इसका मतलब एक्चुअली पर्पज है। तो देखो, बहुत सिंपल है, यहां पर मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा एंड उनको कहां पर असाइन किया गया, यानी कि किस चीज के लिए उन्हें याद किया जाता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखो, यहां पर जो जीरो है हम उसको एज ए कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। ओके, इनपुट आप जो भी दोगे, हमें पता है कि हम जो दे रहे हैं वो इनपुट है, लेकिन कंप्यूटर को अपनी नेचुरल लैंग्वेज थोड़ी पता है। मैं जैसे इनपुट लिखूंगा, कंप्यूटर उसे एज ए इनपुट ही नहीं लेगा, वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके लेगा, या तो अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लेगा, या स्पेसिफिक चीज में जो दे रहा हूं कंप्यूटर को उसके लिए एक अलग वेरिएबल जो है असाइंड होता है कि सपोज आप एक अनदर लैंग्वेज यूज करोगे एंड मुझे बोलोगे कुछ वर्ड, तो मैं यहां पर ट्रांसलेटर यूज करूंगा ताकि मुझे जो आप बता रहे हो वो समझ आ सके, नहीं तो मैं कुछ और बोलूंगा आप कुछ और बोलोगे, इस चीज में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर जैसे मैं इनपुट दूंगा तो ये क्या होगा, अपने सिस्टम को बताएगा कि ये जो यूजर है ना, ये तुम्हें इनपुट द राइट मींस 0, सक्सेस रेट जो है ना 0 शो करेगा। अब यहां पर जो है नेक्स्ट आउटपुट, देखो आउटपुट, अब कुछ मैंने इनपुट दे दिया, जैसे कि मैंने ये इनपुट दिया तो आउटपुट क्या शो करना चाहिए, यहां पर जो एक्चुअल में मैं जो लॉजिक लगा रहा हूं उसका आउटपुट शो हो रहा है 0। तो ये आउटपुट शो करने के लिए भी सिस्टम के पास एक मेमोरी होनी चाहिए। तो मैंने इनपुट दिया, अब आउटपुट में क्या करना है, आउटपुट में भी एक नंबर असाइन किया जाता है एक वेरिएबल के लिए, तो वो है 2 इज फॉर आउटपुट, ओके सॉरी 1 इज फॉर आउटपुट, 0 इनपुट के लिए, 1 आउटपुट के लिए। अब देखो मैं कुछ करता हूं, सपोज मैं यहां पर एक लिख देता हूं, तो देखो इसे लिखने के बाद क्या आ रहा है, ये एक एरर है, टेक्निकली ये एक एरर है, लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा सजेशन है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्या आपका मतलब था कि ECJ DCH echo ECL ECM sudo apt install जो भी पैकेज है इंस्टॉल करने का सजेस्ट कर रहा है। कंप्यूटर के हिसाब से लगता है कि वो हमें सजेशन दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में एक एरर है जो कि नॉन एग्जिस्टिंग कमांड को शो अप कर रहा है। अब ऐसी चीज को हम क्या करेंगे, इसको एज ए मेंशन करेंगे एरर, स्टैंडर्ड एरर। 0 को हम स्टैंडर्ड इनपुट, 1 को स्टैंडर्ड आउटपुट, 2 को स्टैंडर्ड एरर। आई नो ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट आप गूगल करोगे तो और ज्यादा डीप नॉलेज मिलेगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है ना बुक है, तो पूरी कोर्स एडवांस्ड कोर्स, वहां से भी आप लोग समझ सकते हो, मैंने पूरा डिटेल से समझा रखा है पूरे पिक्चर्स के साथ कि क्यों ये लॉजिकली ऐसा कहा जाता है इन 0, 1 एंड 2 को। ओके,
ओके, यहां पर हम जान गए 0, 1 और 2 का पर्पस क्या है, कैसे यूज किया जाता है। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इनको कहां पर यूज किया जाता है। ये मन में सवाल आ रहा होगा, भाई ये हम देख लिए 0, 1 और 2 का मतलब जो है ना पता चल गया, ये कहां पर यूज आ रहा है। देखो बहुत कॉमन सा आंसर है कि ये जो आप अभी अपने सिस्टम में फोरग्राउंड में जो जो आपको देखने को दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर का एक एक्चुअल मेमोरी है, यानी कि उसकी एक क्या बोलते हैं, एक विजुअल थिंग है कि जो भी आप करोगे आपके हिसाब से आप इनपुट आउटपुट पूछ रहे हो एंड दे रहे हो, लेकिन सिस्टम इसे जीरोस एंड वंस में रीड करता है, आउटपुट शो करता है। इसी तरह 0, 1 और 2 एक कंप्यूटर के लिए रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर समझ लेता है। ओके, अब यहां पर हम स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर को हम रिडायरेक्टर्स के हेल्प से जान लेते हैं। रिडायरेक्टर्स क्या होते हैं, सपोज मैं एक वेबसाइट आपको लिंक दूंगा, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है ना ब्लैक हैट हैकिंग कोर्स का लिंक दे रखा है, सपोज आप उसे इंटरेस्टेड हो एंड आपको अपनी स्किल्स एनहांस करनी है तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे। बिटलाइक का लिंक अचानक से कुछ और स्टोर, यानी कि मेरे पर्सनल स्टोर पे रिडायरेक्ट होगा, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, जा कुछ और रहा, जा कहीं और रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिडायरेक्शन, या तो एक चीज को दूसरी जगह में भेजना हम उसको बोल सकते हैं सेंडिंग या रिडायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। उसके रूट को थोड़ा बदलना उसको हम बोल सकते हैं रिडायरेक्ट। ओके, अब यहां पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो ये जो है ना लेस देन सिंबल है, ये ग्रेटर देन, आई नो इसके अलग अलग अल्टरनेटिव नेम्स हैं, बट मैं सबको याद रहे इसलिए ग्रेटर देन एंड लेस देन का जो है ना यहां पर टैग यूज कर रहा हूं। अभी मैं स्क्रीन को जो है ना क्लियर करता हूं। बहुत कॉमन सा जो है यहां पर स्टेप है, देखो मैं एको, सपोज मैं एको हाई लिखूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या शो अप होगा, देखो एको हाई शो अप हो रहा है। वही मैं अगर स्टैंडर्ड इनपुट, ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए यूज करते हैं, जो भी इसके पीछे होगा, ये जो सिंबल है ग्रेटर देन, इसके पीछे जो भी होगा हम इसे एक जगह पर भेज सकते हैं, एक जगह के अंदर इसको डाल सकते हैं। सपोज मैं टेस्ट true.txt, अब ये जो हाई है वो देखो यहां पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसी को यहां पर ls करूंगा तो देखो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। कौन सी क्रिएट हो चुकी है, true.txt, cat true.txt, एंटर। देखो इसके अंदर जो है ना ये फाइल के अंदर जो है वो हाई नाम की टेक्स्ट शो अप हो रही है, यानी कि मैं echo वाला जो हाई है उस आउटपुट को इसके अंदर मैंने रिडायरेक्ट कर दिया था। तो ऐसे जो है ना ये काम करता है, ये था रिप्लेस करने वाला। सपोज मैं देखो अभी यहां पर echo hi, ओके लगता है ये कमांड ओके, तो मैं फिर से जो है ना true.txt नाम की फाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को रिप्लेस करूंगा। पहले मैंने hi डाला, उसके अंदर जो true.txt के अंदर मैंने रिडायरेक्ट करवाया, जैसे ही मैंने देखा कि true.txt के अंदर क्या है, मुझे पता चला कि hi वाला जो है ना टेक्स्ट है। अब सपोज मैं यहां पर हाई के बदले हेलो डाल के एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते हैं अब क्या चेंजेस होते हैं। ls फिर से मैं क्या, देखो पहले इसके अंदर हाई था लेकिन अब हेलो आ चुका है, इट मींस ये जो सिंगल रिडायरेक्टर है, यानी कि ये जो सिंबल, सिंगल सिंबल है रिडायरेक्ट वाला, स्टैंडर्ड आउटपुट वाला, ये रिप्लेसमेंट वाला काम करता है। आप अभी अपने बेंच में बैठे हो, आज आप एब्सेंट हो तो आपके बदले कोई और आके आपकी जगह में बैठ रहा है। आई नो आपका रजिस्टर नंबर अलग है, आपका नाम अलग है, आप दिखते अलग हो, लेकिन टीचर ने स्टूडेंट को बताया कि देखो ये जगह खाली रहनी नहीं चाहिए, तुम इसकी जगह आके बैठ जाओ। एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। ओके, अब सपोज यहां पर मैं और आपको एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा, चलो मान के चलते हैं यहां पर जो है ना हम हेलो गाइस को जो है मैं इसके अंदर अपेंड, सिंगल आउटपुट रिडायरेक्टर को हम रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आउटपुट रिडायरेक्टर्स को हम लोग अपेंड करने के लिए, रीराइट अलग होता है अपेंड अलग होता है। अपेंड का मतलब है कि आप यहां पर अपना नाम लिख रहे हो उसको बिना एरेस किए, नीचे जो है ना आपको पता है कि आप ऊपर कुछ मिस्टेक किए हो फिर भी आप नीचे उसको लिख रहे हो, यानी कि विदाउट स्क्रैचिंग दैट वर्ड, यानी कि आप उसको बिना मिटाए नीचे भी लिख रहे हो, यानी कि इनडायरेक्टली यहां पर जो चीज ऑलरेडी है उसको आप फिर से रिपीट करवा सकते हो, यानी कि चीज को जो पहले है उसको भी रख सकते हो, जो नई चीज है उसको भी उसके अंदर डाल सकते हो, रिप्लेसमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है। देखो अभी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो पहले मैंने क्या किया, सिंगल रिडायरेक्टर यूज किया, हाई था पहले, उसके बाद मैंने हेलो से उसको रिप्लेस किया,
अब सेकेंड टाइम मैंने डबल आउटपुट डायरेक्टर को यूज करके जो ये एको हेलो गाइज है उसको भी मैंने इस फाइल के अंदर डाला, जो पहले हेलो था वो भी वैसे ही है, यानी कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ डबल आउटपुट डायरेक्टर्स। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पर फिर से अपना जो स्क्रीन है क्लियर कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट्स की। तो देखो, स्टैंडर्ड इनपुट सिंगल भी है, डबल स्टैंडर्ड इनपुट्स के जो है ना रिडायरेक्टर्स भी हैं, तो इसका स्पेशल पर्पस हमें अभी यूज नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन हमें आउटपुट का जो है ना स्टैंडर्ड आउटपुट रिडायरेक्टर्स बहुत ही यूजफुल हैं। आगे जाके मैं और आपको छोटे मोटे कमांड्स बताऊंगा। तो यहां पर जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक फाइल का जो है यहां पर एरर एंड आउटपुट को जो है ना भेज सकते हैं। देखो, आपको पता है जीरो का मतलब है इनपुट, वन का मतलब है आउटपुट, टू का मतलब है एरर। अब सपोज मैं यहां पर एको हाई लिखूंगा एंड मैं इसको अगर एंड एंड वन ओके वन नहीं ऐसे लिखूंगा, अगर मैं इसको इस चीज को ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो सकता है। ओके, मैं यहां पर सिंपली dim डॉट एस एच ओके, तो यहां पर क्या था, जो एरर है वो भी इस फाइल के अंदर जा चुका है क्योंकि मैंने इसको मेंशन किया कि जो यहां पर एरर है उसको भी डाल दो एंड रिडायरेक्टर यूज किया, आउटपुट को भी इस फाइल के अंदर डाल दो। अब यहां पर एको में चाहे कोई भी एरर हो, मुझे एरर यहां पर शो अप नहीं करेगा लेकिन इस फाइल के अंदर शो अप करेगा। लेट्स सी कि कैसे जो है ना ये शो अप करता है। एग्जांपल दिखाता हूं, डेमो डॉट एस एच, देख सकते हो ये जो हाई है वो यहां पर शो अप हुआ है। सपोज मैं वही कमांड को रिपीट करूंगा लेकिन यहां पर इस बार मैं ई सी एच की जगह एको की जगह ई सी एच लिखूंगा। अब यहां पर जाहिर सी बात है एरर आएगा, लेकिन मैंने एंड एंड सिंगल आउटपुट डायरेक्टर यूज किया है इसलिए आउटपुट हो या चाहे एरर हो जो भी हो इस फाइल के अंदर जा चुका है। अब चलो मैं फिर से कैट ओके, देखो ये एरर इसके अंदर शो हो गया। ये कब यूज कर सकते हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई कमांड तो जान गए लेकिन कहां पर यूज करें, कब यूज करें। देखो, आपको ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहे हो एंड आप नहीं चाहते कि यार बहुत सारा जो है यहां पर स्टोर हो जाए लॉक्स डेटा, तो तब ऐसे केस में आप लोग इसको यूज कर सकते हो ताकि अपने टर्मिनल में ज्यादा मेस ना क्रिएट हो। ओके, अब यहां पर हो गया एग्जांपल कि कैसे हम लोग आउटपुट एंड एरर्स को रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डेव एंड नल की। तो देखो, अब मैं यहां पर चाहता हूं कि यार ये जो भी है ना यहां पर ये जो भी डेटा है ना इसका आउटपुट क्रिएट हो ना ये मुझे स्क्रीन पे शो अप करे, तो ऐसे केस में क्या होगा। देखो, ऐसे केस में जो है ना मैं डेटा को एक अननोन लोकेशन पे, एक ब्लैक होल समझ सकते हो। डेव नल इज नथिंग बट एक ऐसी जगह है जहां पर जो भी डेटा है लॉस्ट हो जाता है, उसकी एक एग्जिस्टेंस नहीं एग्जिस्ट करती। देखो, ऐसे करूंगा, देखो आप कहीं पर भी नहीं है, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, डेव नल को मैंने अपने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में, ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट्स में मैंने आउटपुट की जो भी एरर्स आते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, अननेसेसरी लिस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैंने अपने स्क्रिप्ट्स में डेव नल को यूज किया। आप चाहे तो स्पैमएक्स दे सकते हो, आप बहुत सारे टूल्स देख सकते हो, मैं मेंशन नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइंस। तो ऐसे जो है आप लोग कोई भी चीज को, कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, देखो अगर मैं एरर प्रिंट करूंगा तो एरर शो अप कर रहा है बिकॉज मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया कि एरर भी मुझे डेव नल के पास भेजना है। अगर वो करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। देखो, चला गया एरर भी, चला गया लिटरली। तो ऐसे जो है ना ये यूज आता है। होप कि आप लोगों को ये कमेंट समझ जो है ना आ चुका होगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट कमेंट की बात करूंगा। तो वो क्या है, सपोज आप कुछ कर रहे हो, यानी कि आप कोई टास्क कर रहे हो, आपको एक इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, आप चाहते हो कि आपको एरर भी शो करें एंड वो एरर जो है ना आउटपुट फाइल में भी एग्जिस्ट करें एंड आपका जो आउटपुट है वो भी उसके अंदर एग्जिस्ट करें, यानी कि इनडायरेक्टली आप जो शो करवा रहे हो, चाहे एरर आए चाहे आउटपुट आए, वो आपको दिखाई भी दे एंड आपके फाइल में सेव भी हो जाए एट द सेम टाइम। आई नो आप सिंपली बोलोगे कि भाई मैं नैनो यूज करूंगा, टच यूज करूंगा, टी यूज करूंगा, लेकिन गाइज वेट, यहां पर एक छोटा सा कमांड है जो आपके इतने बड़े काम को आसानी से जो है ना टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेगा, यानी कि आपका टाइम बचाएगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एको मैं करूंगा न्यू सी एम डी से, यानी कि न्यू कमांड्स। अब मैं इसको जो है ना यहां पर टू एंड वन करूंगा। अब यहां पर ये क्या होगा, सिंपली यहां पर ओके, मैं अपने कंप्यूटर को बता रहा हूं कि यार देखो जो भी एरर्स आए उन्हें
और जो भी आउटपुट आए उन्हें साथ में, जो भी यहाँ पर शो अप करेगा अपने इस टर्मिनल में, सबको जो है ना तुम एक अपने टर्मिनल में शो कर दो। या तो मैं यहाँ पर हैप्पी डॉट टी एक्स टी देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके देखो, ये अपना जो आउटपुट था वो, यानी कि इससे पहले का जो कमांड था वो इनपुट मैंने दिया, यानी कि यहाँ पर जो वन का मतलब है इनपुट, सॉरी एंड कॉम एज अ जीरो, इसका ऑलमोस्ट वैल्यू वैसे ही आता है। तो देखो मुझे जो पहले था वो भी दिखा रहा है, एंड नेक्स्ट मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। हैप्पी डॉट टी एक्स टी यानी कि किस फाइल में मैंने इसको सेव किया वो भी यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि इनपुट एरर एंड आउटपुट सब एक ही चीज में शो अप कर रही है। अब देखो मैं यहाँ पर कैट हैप्पी डॉट टी एक्स टी करूंगा, देखते हैं क्या होता है। ओके यहां पर तो फाइल क्रिएट ही नहीं हुई है, सो दैट्स द मेन इश्यू। देखो मैंने यहां पर इसको बताया कि यार देखो तुम जो है ना यहां पर आसानी से अपने जो भी आउटपुट्स हैं उनको शो करो, लेकिन मैंने इसको ये नहीं कहा कि तुम एक फाइल क्रिएट करो। सो यही इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि मैंने जो इनपुट दे रखा है वो भी शो हो रहा है, जो आउटपुट आना चाहिए वो भी शो हो रहा है। अगर कुछ एरर भी हो जाता तो देखते हैं, मैं एक छोटा सा एरर क्रिएट करता हूँ, देखो एरर भी शो हो रहा है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटेबल कमांड की वजह से यहाँ पर ये आगे वाला कोड काम नहीं कर रहा है। यानी ये थोड़ा यहाँ पर ट्रिकी लगेगा, बट आप वीडियो को 2-3 बार समझोगे ना यार, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ में एक्चुअल हो क्या रहा है। ओके तो देखो यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो न्यू कमांड्स यानी कि अपना आउटपुट एंड अपना जो भी यहाँ पर इनपुट था दोनों यहाँ पर शो कर जाएंगे। सो ऐसे जो है ना आप 2 > 1 यानी कि 2 > 1 दोनों को जो है ना यूज कर सकते हो। अभी यहां पर और एक एग्जाम्पल दूंगा, देखो यहां पर सपोज आप ऐसे यूज कर रहे हो इसको, एंड मैं अगर यहां पर हैप्पी डॉट टी एक्स टी करूंगा, देखते हैं इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं। देखो इसके अंदर अभी जो है ना प्रिंट होके आ गया। अगर वही मैं सही कमांड डालूंगा, सही कमांड डालने के लिए मुझे बस एच के सामने वो डालना है, देख सकते हो जो यहां पर चीजें शो हो रही थी अभी इस फाइल के अंदर शो हो रही है। शो होने के बाद क्या हो रही है, यहां पर ये कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले ये हो रहा है उसके बाद जो है यहां पर ये चीजें हो रही है। अगर वही मैं यहां पर डबल रिडायरेक्टर्स यूज करूंगा, यानी कि डबल आउटपुट रिडायरेक्टर्स, यानी कि मैं अपेंड कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। देखो एक ही कमांड दो दो बार, यानी कि एक ही आउटपुट दो दो बार एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि आउटपुट में देखने को मिल रहा है। सो ऐसे आप लोग रिडायरेक्टर्स, इनपुट रिडायरेक्टर्स, आउटपुट रिडायरेक्टर, सिंगल रिडायरेक्टर, डबल रिडायरेक्टर्स को यूज कर सकते हो, एंड डेवनल को यूज कर सकते हो, एंड आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर को भी जो है ना एक ही कमांड में मर्ज कर सकते हो। ध्यान से सुने, 0, 1 और 2 का पर्पज आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। ये था रिडायरेक्टर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पाइप्स के बारे में। देखो यार ये आपको एल भी लगेगा, आई भी लगेगा, एंड इसको हम यहां पर एज अ पाइप भी कंसिडर कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड में आपके एंटर के ऊपर एक बैकवर्ड स्लैश रहेगा, उसके ऊपर ही आई वाला यानी कि ये पाइप वाला सिंबल रहेगा। तो देखो बहुत कॉमन सी बात है, हमारे घर में जो पीवीसी पाइप्स होती हैं उनका पर्पस क्या होता है? तो कॉमन सी बात है कि पानी या जो भी हम चाहते हैं, सपोज पानी अगर उसके अंदर गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, जो भी हो, उसके अंदर से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे जमीन से लेके छत तक हो, छत से लेके जमीन तक हो। काम क्या है, एक्चुअली टनल की तरह काम करता है। तो वही यहां पर जो पाइप्स हैं वो डेटा को पास करने के लिए, कमांड्स को पास करने के लिए यूज होती हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो एको हेलो गाइस। आप मेरे सिंगल कोटेशन वगैरह सबको इग्नोर करें बिकॉज यहां पर उतना मायने नहीं रखता। यहां पर मैं क्या करूंगा, पाइप्स को यूज करके, सॉरी सिंगल पाइप यूज करते हैं, वर्ड काउंट। देखो अभी क्या शो कर रहा है, मैं यहां पर एको के साथ साथ पाइप यूज करके मैंने कमांड को पास किया कि पहले ये एग्जीक्यूट करो, उसके बाद जो है ना ये एग्जीक्यूट करो। तो इसने पहले क्या किया, पहले उसको यहां पर देखा कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एग्जीक्यूट होने के बाद इसने क्या किया, वर्ड को काउंट किया। डब्ल्यू सी इज नथिंग बट अ सब कमांड ऑफ लिनक्स विच काउंट्स वर्ड्स। आप बहुत सारी चीजें यहां पर देख सकते हो, 2 वर्ड्स हैं। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो कितने कैरेक्टर्स हैं,
यहाँ पर 11 कैरेक्टर्स हैं। ओके यहाँ पर यार बहुत सारे कमांड्स हैं, शायद मुझे उतने याद नहीं है, तो जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, अगर वही मैं यहाँ पर और कुछ डाल दूँ, देखो अभी जो है ना चेंज होगा, देखो 11 था अब 21, यानी कि मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर वही मैं एक छोटा सा यहाँ पर स्पेस दे के क्यू ऐड कर दूँ, देखो 23 हो गया। आई थिंक ये स्पेस को भी शायद कंसिडर करता है। ओके स्पेस को भी ये ले रहा है, इट मीन्स कि स्पेस को भी एज अ यहाँ पर एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो जो है ना एक कि यहाँ पर डिजिट ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे आप लोग पाइप्स को यूज़ कर सकते हो। एंड और एक छोटा सा कमांड बताऊँ, ये मैं एंड कहूँगा, एको हाय एंड डबल एंड उसके बाद एलएस, पहले मुझे हाई शो करेगा उसके बाद मुझे एलएस कमांड एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देगा। अगर वही मैं एक पूरी सीरीज बना दूं सीडी, ओके हम क्या करते हैं पब्लिक, तो देखो पहले यहां पर एलएस एग्जीक्यूट है उसके बाद एंड, उसके बाद जो है ना पब्लिक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़े जो है यहाँ पर कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा होता है ना कि एक याद रखने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ओके यहाँ पर एक्चुअली हो चुका है, पब्लिक के अंदर जा चुका है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया सॉरी। यहाँ पर देख सकते हो हम एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं एंड को डाल के, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप ये कमांड टर्मवर्क्स में ट्राई करोगे लगातार डालते जाओगे, आपके टर्मिनल जो है ना ओवरफ्लो हो जाएंगे कमांड्स, यानी कि पूरा टर्मिनल ऐसा लगेगा जैसे डिस्टर्ब हो चुका है पूरा एनवायरनमेंट। वही मैं अगर फिर यहां पर टी हेलो करूंगा तो देख सकते हो नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके यहां पर शायद ये ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टरी के अंदर रह के फिर कुछ ट्राई कर रहा हूं, दैट्स व्हाई ये काम नहीं कर रहा है। ओके बस एक एग्जांपल था कि आप कोई लिमिट्स नहीं है यहां पर लिनक्स की, बस यही कहना चाहता हूं, देयर इज नो लिमिटेशन, जब तक आप एक्सप्लोर करना चाहो कर सकते हो। इसी चक्कर में आप बहुत सारे लूपहोल्स भी ढूंढ सकते हो लिनक्स के अंदर, बिकॉज ये पूरी बड़ी कम्युनिटी है यार, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बग ही नहीं निकलेगा या कोई इसे अचानक से फिक्स कर देगा फटाक से, ऐसा नहीं है। बग्स निकलेंगे, जो जितना रिसर्च करेगा उसके ऊपर डिपेंड है कि कैसे कैसी चीजें नई नई देखने को मिलेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही था, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कैसे स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड एरर हम प्रोजेक्शन में ले सकते हैं, एंड कैसे ये हमारे रिडायरेक्टर्स टाइप्स ऑफ रिडायरेक्टर्स काम में आते हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे हम एक नॉन एग्जिस्टिंग जो है ना एक लोकेशन में अपने डेटा को डंप करवा सकते हैं ताकि हम उसे देखें ना, इग्नोर करें इनडायरेक्टली। डेवनल के बारे में हम लोगों ने जान लिया एंड बहुत कुछ रिडायरेक्शन टेक्निक्स विथ पाइप्स भी हम लोगों ने जान लिया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, अगर समझ आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो लोग एथिकल हैकिंग में बहुत जी जान रखते हैं, यानी कि कहते हैं कि भाई मुझे सीख के रहना है, मुझे बस चैनल चाहिए, तो जरूर शेयर करना। अगर उनको चैनल पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे इतना तो यकीन है। ओके अगर आप चाहते हैं कि और भी ब्लैक हैट मेथड्स आप लोग एक्सप्लोर करें एंड बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना सारी लिंक्स मिल जाएंगी, जो कि कोर्सेस हैं बुक्स हैं बहुत कम रेट में। एंड और एक बात, हमारी जो है ना ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप अटेंड कर सकते हो। अच्छा लगे तो आप जो है ना सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन करके, कुछ पेड रहेंगे कुछ फ्री रहेंगे, सो ये टोटली आप लोगों पर डिपेंड है। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पिन कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर जाके फॉलो करें। एंड अच्छा लगे तो आप वहां पर जो है ना कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हो कि यार ऐसा कंटेंट है, या सजेशन भी दे सकते हो। ओके तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।